बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर पीसी एंड लैपटॉप, यही जानना है ना? ये बता खुद किससे एडिट करता है? ठीक है यार, वो भी बताऊंगा, पर स्टार्ट तो कर लूं। तो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आलू के साथ गोभी। अच्छा। पर सॉफ्टवेयर के साथ आपकी सही एडिटिंग टेक्निक्स आपके कंटेंट को एक अलग लेवल तक पहुंचा सकती है। और जहां तक सवाल है पांच बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का, तो अच्छा सॉफ्टवेयर वो है जो एक्चुअल में आपका टाइम बचाए और बोर कम करे। अब एडिटिंग के लिए लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स बेस्ट हैं, पर मेरी नजर में कुछ सॉफ्टवेयर्स ज्यादा ही बेस्ट हैं। उन्हें मैं 5 से 1 तक की रैंकिंग में आपको बताऊंगा, और साथ में अपना एक्सपीरियंस क्या है मेरा उन सॉफ्टवेयर्स के साथ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने 5th बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ, जो कि है कैनवा। मेरी नजर में भले ही 5th नंबर पर है, पर मोस्ट केपेबल सॉफ्टवेयर है फॉर एवरी टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन। फ्री वर्जन यूज करो चाहे पेड वर्जन, पर एक्सपीरियंस कमाल का होने वाला है। मुझे ये पर्सनली काफी यूजर फ्रेंडली लगा, क्योंकि जब भी मैं कोई थंबनेल वगैरह या वीडियो एडिट करता हूं तो इजीली सारा काम हो जाता है। कैनवा में आप एडिटिंग के बेसिक्स अच्छे से समझ सकते हो। मैं मोस्टली ये बिगिनर्स को प्रेफर करता हूं, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स और एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल है। वैसे भी आजकल लड़की मिलना मुश्किल है, तो ये तो फिर भी फ्री मिल रहे हैं, सो रिस्पेक्ट दैट। इन्हीं टेम्पलेट्स और एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए हमें घंटों गूगल पर घूमना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम खर्च हो जाता है। एक सबसे खास बात लगी कि इसके लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि मिड रेंज या हाई एंड पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। आप नॉर्मल या लो एंड पीसी पर भी इससे स्मूथली एडिटिंग कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड, विंडोज, मैक, इन तीनों ओएस पर अवेलेबल है, जहां चाहो यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, अगर आप लोगों के पास में नॉर्मल डिवाइस है या फिर काफी पुराना डिवाइस है जिस पर आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते या एप्लीकेशन, तो आप लोग डायरेक्टली canva.com पर जाकर ऑनलाइन अपनी एडिटिंग, अपने थंबनेल्स वगैरह सारी चीजें बना सकते हो। नेक्स्ट और 4th बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर एलिमेंट। वीडियो एडिटर्स के लिए, स्पेशली एंट्री लेवल एडिटर्स के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। ओपन करते ही आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑर्गेनाइजर, फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर। देख रहे हो, ऑल इन वन सॉफ्टवेयर होने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। वीडियो एडिटर में जाओ तो क्विक, गाइड, एक्सपर्ट, अगेन 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्विक में आपको बेसिक एडिटिंग इंटरफेस मिलेगा, जहां सिर्फ अपनी फाइल्स ऐड करो और वीडियो रेडी, मतलब वीडियो एडिटिंग तो अब आसान है। गाइडेड में भी लगभग सेम इंटरफेस है, बस इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। इतनी गाइडेंस अगर लड़की पटाने में मिल जाए तो कितना अच्छा हो। एक्सपर्ट में आपको टोटली एडवांस इंटरफेस मिलेगा, जहां सब कुछ आपके हिसाब से होगा, मतलब बिल्कुल ओयो रूम जैसा होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये एंट्री लेवल एडिटर्स के लिए है, तो आप लोग अपनी वीडियोस के साथ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। इसके अलावा मोशन ट्रैकिंग है, जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलती देखने को। वैसे बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शन है ये Adobe Premiere Pro का। Premiere Pro और Premiere Elements, हाँ पता है, एक ही बाप के 2 बेटे हैं। हाँ, पर इन दोनों में फर्क क्या है, इस बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन Premiere Elements को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बिगिनर्स का ध्यान रखते हुए, तो अगर आप लोग फ्यूचर में शिफ्ट करना चाहते हो प्रीमियर प्रो पर, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रीमियर एलिमेंट से शुरुआत करो। इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, यानी मैक, विंडोज दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ अगर नेक्स्ट और 3rd बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो है वंडरशेयर फिल्मोरा। आई नो फिल्मोरा को 4th पर होना चाहिए था और प्रीमियर एलिमेंट्स को 3rd पर, लेकिन मेरी नजर में फिल्मोरा 3rd पर है बिकॉज ऑफ माई सेंटिमेंट्स। हाँ लुगाई है ना तेल। नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो फिल्मोरा बेस्ट लगा, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है, प्लस लो से भी लो एंड लैपटॉप या पीसी पे वर्क कर जाता है, वो भी बिना किसी लैग या हैंग के। और आज भी वही इंटरेस्टिंग फीचर अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का मिलना, 2000 प्लस टेम्पलेट्स, ट्रांजिशंस का मिलना, 500 से ज्यादा इफेक्ट्स मिलते हैं, जो कि आजकल आप ये ग्लिच इफेक्ट देख रहे हो ना, ये भी उनमें से एक है। और क्या चाहिए यार जिंदगी में, क्योंकि इन्हीं टेम्पलेट्स, ट्रांजिशन और इफेक्ट के लिए आपको घंटों YouTube, Google वगैरह सब जगह घूमना पड़ेगा, उस पर भी कॉपीराइट का इशू रहता है। तो अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, तो आई वुड सजेस्ट कि फिल्मोरा आपकी कंसिस्टेंसी को काफी अच्छा मेंटेन रख सकता है, जो कि तेरी अच्छी नहीं। आई नो, पर मैं कोशिश पूरी करता हूं कंटेंट रेगुलर अपलोड करने की, लेकिन मेरी और आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए फिल्मोरा में एक फीचर है, जिसके जरिए आप डायरेक्टली यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो। अगेन क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट है, एंड्रॉइड, पीसी या मैक तीनों पर यूज कर सकते हो।
एंड्रॉइड के लिए फिल्मोरा गो को डाउनलोड करना और पीसी और मैक के अंदर वंडरशेयर फिल्मोरा। इसी के साथ नेक्स्ट और सेकंड बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है डाविंसी रिजॉल्व। अब तक मैंने आपको जितने सॉफ्टवेयर्स बताए या आगे जो बताऊंगा उन सभी में आपको मंथली या ईयरली मेंबरशिप पे करनी पड़ती है, जिसके बाद आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हो, उनके फीचर्स इनेबल कर सकते हो या वाटरमार्क वगैरह हटाने के लिए। लेकिन ये सॉफ्टवेयर डाविंसी रिजॉल्व आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप सिंपली इसे वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करो और यूज कर सकते हो। एक फैक्ट आपको जरूर बताऊंगा कि डाविंसी रिजॉल्व के ऊपर बड़ी बड़ी मूवीज एडिट करी जा चुकी हैं जो कि ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, और आज भी काफी सारे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस अपने कंटेंट को एडिट करते हैं। काफी लोगों का कहना है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि डाविंसी रिजॉल्व में अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक प्रीमियर प्रो से बेटर कलर ग्रेडिंग मिलती है। एंड अगर आप लोग सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह बनाते हो, बी रोल्स और व्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बेस्ट होने वाला है क्योंकि वहां कलर ग्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो था डाविंसी रिजॉल्व। बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट और फर्स्ट बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि है Adobe Premiere Pro। Yes, Adobe Premiere Pro। अभी कुछ लोग ये कहोगे कि यार डाविंसी रिजॉल्व अगर ज्यादा अच्छा है तो प्रीमियर प्रो को फर्स्ट रैंकिंग क्यों दे दी। तो इसके पीछे रीजन ये है कि डाविंसी रिजॉल्व अच्छा जरूर है मगर आपको काफी अंडरस्टैंडिंग करने में उस सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम्स आएंगी, वहीं प्रीमियर प्रो में काफी इजी टू अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस मिल जाएगा आपको, जहां पर अगर कोई बिगिनर भी जाता है तो वो भी उसे समझ करके वीडियो एडिट कर सकता है। डाविंसी रिजॉल्व आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, थोड़ा स्ट्रगल करवाएगा, देन उसके बाद समझ आएगा। लेकिन प्रीमियर प्रो में आप सारी ही चीजें कर सकते हो, काफी बीट करते एक दूसरे को। प्रीमियर प्रो और डाविंसी रिजॉल्व दोनों की लॉन्चिंग्स में ज्यादा फर्क नहीं, अराउंड एक साल का ही डिफरेंस है, लेकिन प्रीमियर प्रो का इंटरफेस और उसके फीचर्स काफी आसान लगते हैं। अगर फीचर्स और इंटरफेस की बात करें तो कलर ग्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हो प्रीमियर प्रो पर तो आप देखोगे कि काफी आसानी से समझ आ रही है सारी चीजें, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, हाईलाइट, शेडोज वगैरह सब कर सकते हो। प्लस हर एक सॉफ्टवेयर का जो AI होता है उसके मामले में मुझे प्रीमियर प्रो का AI हमेशा बेस्ट लगा है, क्योंकि इसके अंदर आपको कलर एक्यूरेसी इतनी अच्छी मिल जाती है ना जो कि अदर सॉफ्टवेयर शायद नहीं दे पाते हैं। डाविंसी रिजॉल्व भी काफी अच्छी कलर एक्यूरेसी देता है लेकिन उसमें कलर ग्रेडिंग थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है, मगर प्रीमियर प्रो में आसानी से समझ कर HSL सेकेंडरी वगैरह सब चीज सेट करके आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। प्रीमियर प्रो टोटली क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर आपको कुछ फीचर्स प्रीमियर प्रो में नहीं मिलते तो आप लोग कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करके या अगर कहीं पर चाहो खरीद करके उसे इंस्टॉल करो और फिर उन फीचर्स का इस्तेमाल करो प्रीमियर प्रो में। जाहिर है अगर इजी इंटरफेस मिल रहा है और फीचर्स इतने अच्छे हैं और AI इतना बेस्ट है तो फिर ये प्रीमियर प्रो फ्री तो मिलने वाला नहीं है, तो इसके लिए आपको एक मंथली मेंबरशिप देनी पड़ेगी, अराउंड 1500-1600 रुपए की आती है। मेंबरशिप लेकर आप लोग इसके सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आई नो आप लोग यही कहोगे कि ये टाइम सेविंग वगैरह नहीं है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए आप लोग इसके अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट्स वगैरह आप यूट्यूब से, गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करो एंड देन सभी ट्रांजिशन, सभी क्रिएटिव एक्टिविटीज आप इसके अंदर कर सकते हो, जिससे आपका टाइम काफी हद तक सेव करता है। एंड मुझे पर्सनली प्रीमियर प्रो अच्छा लगता है, आज के टाइम में मैं अपनी सारी वीडियोस भी प्रीमियर प्रो पर ही एडिट करता हूं। इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, यानी विंडोज और मैक दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मुझे आपको बताने थे 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो मैंने आपको बता दिए। आप डिसाइड करो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि बेस्ट सॉफ्टवेयर वो है जो आपका टाइम बचाए, अगर आप बिगिनर हो तो सॉफ्टवेयर कौन सा करना है, या अगर आप एडवांस लेवल पर एडिटिंग करना चाहते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना चाहते हो तो किस सॉफ्टवेयर पर एडिट करना है, सब चीजें आपको मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। बाकी मिलूंगा आपसे और किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।